Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today our topic is factors affecting the enzyme action, the rate of enzyme action. हमारा चैप्टर नंबर टू है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, हमारा ये टॉपिक है ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. अब यहाँ पे जो है वो हम मेन एक्चुअली फोर फैक्टर्स हैं ठीक है, जो कि एंजाइम के जो एक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं ठीक है. अब उन फोर फैक्टर्स में से टू फैक्टर्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और जो टू फैक्टर्स हैं वो हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है. तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है एंजाइम कंसनट्रेशन और सेकेंड है सब्सट्रेट कंसनट्रेशन ठीक है. एंजाइम कंसनट्रेशन का मतलब है एंजाइम की मकदार ठीक है. अब यहाँ पे ये है कि जो रिएक्शन रेट होता है, रिएक्शन रेट ये डायरेक्टली डिपेंड करता है एंजाइम की कंसनट्रेशन पे, एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर. यानी कि एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर. यानी कि इससे सिंपली हम ये कह रहे हैं कि अगर तो हम एंजाइम की जो कंसनट्रेशन है, एंजाइम की कंसनट्रेशन अगर हम इसको इंक्रीज़ कर दें बाय टू फोल्ड्स, इंक्रीज़ बाय टू फोल्ड्स, तो जो रिएक्शन रेट है वो डबल हो जाएगा. इससे रिएक्शन रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा ठीक है. तो जितना हम एंजाइम की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, रिएक्शन रेट भी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा. अगर हमने एंजाइम की कंसनट्रेशन को टू फोल्ड्स इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन रेट भी डबल हो गया. अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन रेट जो है वो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा ठीक है. तो ये जो है ये एमसीक्यू पूछा जाता है एमडीकैट में कि अगर हम एंजाइम की कंसनट्रेशन को टू फोल्ड्स इंक्रीज़ कर दें तो रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा, बिकम्स टू टाइम, बिकम्स डबल, तो वो हो जाएगा डबल ठीक है. रिएक्शन रेट जो है वो क्या होगा, डबल. तो ये होता है कि जो रिएक्शन रेट है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर ठीक है. अब अगर हम देखें तो एंजाइम की कंसनट्रेशन का ज़्यादा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम देखें तो जैसे सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्होंने एंजाइम की साइड, एक्टिव साइड के ऊपर आकर जो है वो अटैचमेंट करनी होती है, और फिर फर्दर एंजाइम ने सब्सट्रेट को कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट में ठीक है. तो ये रिएक्शन जो है ये चलता रहता है एट अनलिमिटेड सब्सट्रेट कंसनट्रेशन ठीक है. पर जैसे जैसे ही एंजाइम की कंसनट्रेशन जो है, अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये बात की कि रिएक्शन रेट जो है एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब सब्सट्रेट आकर लगते जाएंगे एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उसके ऊपर, प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी. ये रिएक्शन जो है ये एक ख़ास लिमिट पर आकर जो है वो स्टॉप डाउन हो जाएगा ठीक है. तो यही वजह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर, एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर. तो यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ा स्टडी भी करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सब्सट्रेट कंसनट्रेशन. यानी कि जैसे मैंने बात की कि अनलिमिटेड सब्सट्रेट की कंसनट्रेशन हो तो जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर, एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर. कि एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर उस वक्त डिपेंड करेगा जब हमारे पास सब्सट्रेट जो है वो अनलिमिटेड है ठीक है. इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज बाय टू फोल्ड द रिएक्शन रेट इज डबल्ड. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन. बाई इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट टेक्स प्लेस, मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स इन टू प्रोडक्ट्स इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कंसनट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज. ये सारी बात जो है मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एंजाइम की कंसनट्रेशन के ऊपर, एक बात ठीक है. उस वक्त कब, जब अनलिमिटेड सब्सट्रेट कंसनट्रेशन अवेलेबल हो ठीक है. दूसरी बात ये कि जो एंजाइम की कंसनट्रेशन है अगर आप उसको टू फोल्ड्स इंक्रीज़ कर देंगे तो जब, जैसे ही आप एंजाइम की कंसनट्रेशन टू फोल्ड्स इंक्रीज़ करेंगे साथ ही जो रिएक्शन रेट है वो डबल हो जाएगा. तो जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाएगा ठीक है. इसके अलावा जैसे आपके पास एंजाइम की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके पास जाहिर सी बात है एक्टिव साइट्स होंगी, ज़्यादा सब्सट्रेट उनकी सरफेस पर आके लगेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी.
पर एक वक्त ये आएगा कि जो रिएक्शन है फर्दर वो प्रोसीड नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा एक ख़ास लिमिट पे आके। ठीक है, ये हमारे पास था एंजाइम की कंसंट्रेशन कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, लो, बहुत लो है, फिर जो रिएक्शन रेट है, रिएक्शन रेट ये डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट अवेलेबल, जो सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे उनके ऊपर। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ये होता है कि अगर तो हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी तो उस वक्त जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो अमाउंट सबस्ट्रेट की जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसकी सिंपल मिसाल इस तरह से है कि आप क्या करें कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसे आप कर दें कांस्टेंट। इसे हमने रख दिया कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट रखी वो हमने इसकी अमाउंट रख दी 10। ये हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है इसको हमने इंक्रीज़ करना है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा, पर एक ख़ास ऐसी लिमिट आएगी कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा, वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया कि एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने बढ़ानी शुरू की, 2 से हम ले कर गए इसको 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, देन 7, 8, 9 और 10। अब अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रखी है 2, तो उसके लिए 10 एंजाइम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कर दी 3, तो उसके लिए भी 10 एंजाइम्स अवेलेबल हैं। तो 2 से लाते लाते हम ले आए 10 तक। अब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गई 10 और एंजाइम भी कितने अवेलेबल हैं, 10। जैसे ही हम 10 से आगे जाएंगे 11 पे, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और एंजाइम की कंसंट्रेशन हो गई कम। जितने भी सबस्ट्रेट ऑलरेडी अवेलेबल थे उन्होंने क्या किया कि तमाम एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं उनको फुली ऑक्यूपाई कर लिया। अब पीछे कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं बची फर्दर सबस्ट्रेट के लिए। तो जब फर्दर सबस्ट्रेट के लिए कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं बची तो रिएक्शन रेट वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर हमारे पास लो हो तो रिएक्शन रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सबस्ट्रेट अवेलेबल कि कितने सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन रखें कांस्टेंट, जो हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल रख ली 10, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक वक्त आया कि हमने ज़रा सी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, हमने 10 से 11 किया, तो 11 वाला जो सबस्ट्रेट हमारे पास एक बड़ा, उसके पास कोई भी एक्टिव साइट नहीं है जिसकी वजह से रिएक्शन रेट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। बाकी के जो तमाम सबस्ट्रेट हमने क्या किया कि जो अवेलेबल एंजाइम है उनकी जो एक्टिव साइट्स हैं उनके साथ अटैच होकर आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। तो ये हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। तो इसके ऊपर जो है ये MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो तो रिएक्शन रेट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, एंजाइम अवेलेबल, सबस्ट्रेट अवेलेबल, या फिर कोई और दो ऑप्शन पूछ लिए जाएँ, तो सबस्ट्रेट अवेलेबल के ऊपर ये डिपेंड करेगा जो रिएक्शन रेट है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमने देख लिया कि एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, और एक ख़ास लिमिट वो आएगी कि जब हम थोड़ी सी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन रेट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी कि जो ऐसे दो फैक्टर हैं जो एंजाइम के जो रेट है उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो है एक एंजाइम कंसंट्रेशन और दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये हमने छोटे छोटे हमारे मेन टॉपिक्स थे, इनको हमने MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।